Hello friends, welcome you all once again in my channel Fun's Gardening. तो friends कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने life को बिल्कुल अच्छे से enjoy कर रहे होंगे. Friends, March आ गया और March में heavy flowering चाहिए हमें rose से. तो हम आज एक ऐसे ही fertilizer के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल मेरे plant की तरह आपके plant को भी फूलों से भर देगा. ढेरों सारे flowers उसमें आएंगे बिल्कुल मेरे plant की तरह. तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है फर्टिलाइजर बनाने के लिए. हाँ, वीडियो देखने के बाद आप आधा इन्फॉर्मेशन गेन करके यहाँ से जाएंगी तो शायद वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल ना हो. तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले थोड़ी सी प्लांट की ओवरव्यू. तो ये देखिए, हैप्पी फ्लावरिंग से भरा हुआ मेरा मिनीचर रोज प्लांट, काफी खूबसूरत से ऑरेंज रोजेस, ढेरों सारे इंग्लिश वैरायटी हाइब्रिड रोजेस और टाइगर रोजेस भी काफी अच्छी ब्लूम कर रही है. देसी रोजेस में भी काफी अच्छी सारी ढेरों सारी फ्लावरिंग आ रही है, न्यू सारे ब्रांचेज. और ये डबल लाइट रोज भी काफी अच्छी सी फ्लावरिंग कर रहा है. ये मैंने अभी धूप में रखा है, काफी तेज धूप लग रही है, मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा. ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा. इसमें हम जानने वाले हैं एक फर्टिलाइजर को बनाना जिससे हम अपने प्लांट को फीड करेंगे और पूरी गर्मी हमें कंटिन्यूस हैवी फ्लावरिंग मिलेगी और तीन बेहतरीन टिप्स जिससे फ्लावरिंग स्टॉप नहीं होगी और नए साइड्स मतलब बहुत सारी न्यू ब्रांचेज आएंगी जिसमें रोज हमारा मैक्सिमम ब्लूम होगा. ऐसे बहुत कम ही गार्डन होते हैं जिसमें गर्मी में भी इतने बेहतरीन रोजेस आती हैं. उसमें से शायद मेरा गार्डन अच्छे रैंक्स होल्ड कर ले रोजेस के कंपैरिजन में. तो मैं वो सारे टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मेरे रोजेस इतने अच्छे ब्लूम करते हैं. तो चलिए वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द वीडियोस. तो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो इंग्रेडिएंट है जिससे हमें अपने प्लांट के लिए एक वेल फर्टिलाइजर बनाना है मार्च में, ताकि रोज प्लांट हमारी मार्च में बिल्कुल ऐसे हैप्पी रहे और हमें भी हैप्पी बनाए क्योंकि ढेरों सारी फ्लावरिंग देख के हम तो हैप्पी होने ही वाले हैं. तो चलिए अपने उस सारे इंग्रेडिएंट के पास चलते हैं जिससे हम आज का फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं. लेट्स गो टू द तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिससे हम आज का बेस्ट फर्टिलाइजर रोज प्लांट के लिए बनाने वाले हैं ताकि मार्च में भी बिल्कुल मेरे प्लांट की तरह आपका प्लांट भी हैवी फ्लावरिंग करे. मैंने उस ट्रीटमेंट को अपने प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स में कर दिया और कुछ प्लांट्स मेरे बाकी हैं तो मैं आज उन पर करके आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि आप भी लेट ना रहें, मेरे साथ रहें बिल्कुल अपडेट. तो चलिए मार्च के जो फर्टिलाइजर बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स के पास चलते हैं. उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज का जो फर्टिलाइजर है उससे हम करने वाले हैं अपने रोज प्लांट की रूट फिलिंग. जी हाँ, रूट फिलिंग करने वाले हैं हम. अपने गमले को करेंगे हम 4 इंच खाली और फिर उस मिक्सचर को हम अपने प्लांट में डालेंगे और थोड़ी सी मिट्टी से ढक देंगे ताकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशन है प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया है सॉइल में से विंटर में, वो उन्हें मिल जाए, रीगेन हो जाए प्लांट को और हमें समर में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे. तो ये प्रोसेस हम मार्च में करते हैं और मार्च से कंटिन्यू फ्लावरिंग लेते हैं हम. तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो है वहां आपको मैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो दिखा देती हूँ. वो है हमारा फ्रेंड्स सड़ी हुई गोबर की खाद. जी हाँ, पहला इंग्रेडिएंट है हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद. इसको हमें लेना है किसी भी मेजरिंग कप से, आप ले सकते हैं, आप इसको कितना भी ले सकते हैं आप इसको लीजिए. जैसे मैंने इसको यहाँ पे अपने एक कटोरी से मैंने इसे दो लिया है, छोटी सी कटोरी से मैंने दो कटोरी लिया है. और सेकेंड इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, उस जो मेजरिंग आप कप लेते हैं, ग्लास लेते हैं, उसको आपको अपने साथ रखना है. जितना आप ये लेते हैं उसका हाफ, जैसे मैंने दो लिया है तो मैंने 1 ले लिया है ये. और आप पूछेंगे अब ये है क्या, तो ये जो है फ्रेंड्स मैंने जो लेमन, आप अगर मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि मैं अपने लेमन प्लांट के लीव्स को, जो एक्सेस लीव्स थी मैंने प्लांट से हटाकर उन्हें सुखा के रख लिया था, तो मैंने उसको ग्राइंड किया है और कुछ इस तरह का जो है मुझे मिल चुका है. इसको मैं ऐड करूंगी 1, इसका मैंने 2 लिया तो इसको मैंने 1 लिया. और लास्ट जो है फ्रेंड्स, ये जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये है बनाना पिल. बनाना पील जो है फ्रेंड्स, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से सुखा लिया था. सुखाने के बाद से इसको ग्राइंड करके कुछ इस तरह का मैंने मिक्सचर बनाया है. और ये लिया है मैंने हाफ उसी मेजरिंग कप से, ये था 2, ये 1 एंड दिस इज हाफ. तो मैंने ऐसे करके
आपको मैंने सारी म्यूजिंग बता दी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं बार बार ये क्वेश्चन करते हैं, आपने अच्छे से म्यूजिंग नहीं बताई। तो इससे इजी मेजरिंग कैनो कोई इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना और ना ही कोई और एक्सटर्नल चीज का, हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेजरिंग कप के अनुसार इसको डबल लेना है, उसका आधा इसे लेना है और उसका आधा इसे लेना है। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे कि उनके पास ये नहीं अवेलेबल होगा तो वो ऑरेंज पिल को सुखा के उसका भी बना सकते हैं। सूखने में 2 से 3 दिन लगेंगे, आप जल्दी से उसको सुखा लीजिए और उसको ऑरेंज पिल को ले सकते हैं, लेमन के पिल को ले सकते हैं। लेमन के पिल को भी सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको भी आप ग्राइंड कर लीजिए और सेम अमाउंट में से ऑरेंज सबसे अच्छा रहेगा। लेमन से छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे लेमन लग जाएंगे, वैसे ऑरेंज 3-4 ऑरेंज के करने पर आपको इतना ये मिल जाएगा। और बनाना पिल तो हर एक गार्डनर के पास होते हैं, तो इन तीनों को मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है ये, तो मैं इन तीनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स वाली हूँ अभी। तो इन तीनों को चलिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ऐसे किया और तीनों को थॉरली बिल्कुल अच्छे से यूं मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स, तीनों को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का आपको मिक्सचर ऑब्टेन होगा और इसी मिक्सचर को हम अपने प्लांट में रूट फिलिंग के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको सारे इनके बेनिफिट्स बता देती हूँ। जो गोबर की खाद हमने ली है वो प्लांट को बूस्ट करेगा, नाइट्रोजन उसको बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा, जिससे प्लांट बहुत ज़्यादा बूस्टी और बहुत सारे न्यूज उसमें से साइट्स आएंगे, बहुत सारे सूट्स आएंगे जो फ्लावरिंग साइट्स होते हैं नए, तो उससे ढेरों सारी बर्डिंग होगी आपके प्लांट में। जो हमने लेमन लिया है उसे लेमन या कोई भी एसिडिक जो होते हैं जैसे ऑरेंज का पिल वगैरह लिया है, उससे हमारे सॉइल की मीडियम एसिडिक रहेगी, जो रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो माइक्रो एसिडोज से हैं वगैरह भी प्लांट को आपके मिलेंगे और काफ़ी प्लांट हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, बनाना पिल की बात कर लें तो बनाना पिल को हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये किसी भी प्लांट में, डेवलप्ड प्लांट में, फ्लावरिंग को बूस्ट करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी अगर मैं NPK रेशियो बताऊँ आपको तो 0:3:42 होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 0, फॉस्फोरस की अमाउंट 3 और पोटेशियम की अमाउंट आपके पास 42 होता है, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी तौर पे रोज़ के प्लांट पे कह सकते हैं ढेरों सारी फ्लावरिंग आने में आपकी प्लांट को बूस्ट करेगा, खूब सारी फ्लावरिंग होगी। तो अब बता देती हूँ उसको हमें अपने प्लांट में अप्लाई कैसे करना है। तो मैं ले चलती हूँ आपको अपने एक रोज़ प्लांट में और इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सेम वे आपको भी यूज़ करना है अपने प्लांट में और काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आपको मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आप जो रिज़ल्ट आप जो प्लांट में मेरे जो भी बताए हुए कंपोस्ट उनका यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट कैसा रिजल्ट देता है। आई होप कि सब मेरी तरह ही देता हो। तो चलिए उसको अप्लाई करते हैं और देता ही होगा वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पोट को कम से कम 4 इंच तक की खाली कर दी मिट्टी निकाल के बाहर, और मैंने इस मिट्टी को बिल्कुल बाहर निकाल दिया है और प्लांट के रूट्स को देखिए जो होती है, जो हमारी रूट फीलिंग होती है, इस उसमें क्या होता है फ्रेंड, जब हम अपने प्लांट को बिल्कुल ऐसे खाली कर देते हैं 4 इंच तक, तो एक्सेस जो उतने भी रूट्स आते हैं वो हमारे प्लांट से हट जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है प्लांट के लिए। रिपोर्टिंग तो हम अभी करने वाले नहीं है, रिपोर्टिंग तो हम अक्टूबर में करेंगे, स्टार्टिंग सितंबर में करेंगे इसकी, पर अभी हम इसको बस ऐसी थोड़ी सी रूट फीलिंग करने टाइम एक्सेस जो ऊपर की तरफ से रूट्स होती हैं उनको हम हटा दिया करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारा कंपोस्ट रेडी है बनके, उसको हमको किस तरह यूज़ करना है अपने रोज़ प्लांट में, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसे अपने हथेलियों पे लेके इसको यूं ऐसे अपने पोट में डालना है। जितना भी मैंने कंपोस्ट बनाया ये मैंने एक अपने प्लांट के लिए बनाया है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना बनाते हो, तो आपके एक प्लांट के लिए होता है, तो ये आपको बनाना है, इतना कि आप अपने पोट में 4 इंच जो आप खाली किए हो उसमें आपको कम से कम 2 से 3 इंच की लेयर आपको मोटी अब कंपोस्ट की आपको अपने प्लांट में यूँ इस तरह से देनी है। इस तरह से मैं दे रही हूँ और इस तरह से चारों तरफ से देनी है बराबर, इक्वल लेयर आप देख लीजिए, मैं भी डाल रही हूँ इक्वल लेयर और साथ में मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो मेरे साथ। मैंने बहुत सारे प्लांट्स में यूज़ कर लिया है इस तरीके को और बस यही 2 प्लांट बचे थे, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और अब
हमें क्या करनी है, अब अपने प्लांट को इसी तरह से लेयर बाय लेयर देना है मिट्टी। अब पूरे पोट को मैंने 4 इंच खाली किया था और अब मिट्टी डाल रही, तो इसी तरह से मैं अब इसके ऊपर से अपने कंपोस्ट के ऊपर से जो मिट्टी मैंने निकाला था उसको अगेन अपने पोट में मैं भर दे रही हूँ और कम्प्लीटली फिल कर देती हूँ इसे। केवल मैं जो मेरा बचा हुआ जो 2 इंच था पहले से, जो 2 इंच गमले में खाली था उतना छोड़ के मैं बाकी सारा भर दूंगी। 2 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो है मैं वाटर डालती हूँ तो उसमें अच्छे से वाटरिंग करने में ईजी हो, नहीं तो मिट्टी के साथ पानी ऊपर से निकल लगता है। तो आप भी हमेशा अपने प्लांट में ये बात ध्यान रखें कि आपको भी अपने प्लांट में कम से कम 1 से 2 इंच की तो होनी चाहिए पानी डालने के लिए, इजी होता है उससे पानी डालना अपने प्लांट में। और सिंपली फ्रेंड्स मैंने कम्प्लीटली इसको भर लिया और अब उसमें बस वाटरिंग करनी है, वाटरिंग हम कर देंगे। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपको मैं चाहूँगी अगेन फ्लावर्स का व्यू दूँ क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत मार्च में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। इतने सारे बर्ड्स, इतने सारे फ्लावरिंग, इतनी सारी न्यू ब्रांचेज, ये देखिए कितनी अच्छी न्यू ब्रांचेज आ रही हैं, पूरी प्लांट ब्रूसी हो रही है। आपको एक दो टिप्स साथ में दे देती हूँ कि प्लांट में मार्च में और क्या चाहिए। सावर आप जरूर से जरूर अपने प्लांट को करें, मॉर्निंग में सावर करनी चाहिए। मैं भी मॉर्निंग में ही क्या करती हूँ क्योंकि दोपहर भर की धूप के बाद सडन टेम्परेचर चेंज होने के बाद से प्लांट शॉक में आ जाता है और अच्छी फ्लावरिंग शायद ना करे, तो मैं मॉर्निंग में सावर, शाम को वाटरिंग करती हूँ। आप 2 टाइम वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा धूप आपकी तेज आ रही है तो आप 2 टाइम वाटरिंग भी रोज को कर सकते हैं। रोज को वाटरिंग बहुत पसंद है समर में। आप देख पर काफी सारे बर्ड्स आए हुए हैं प्लांट में, बर्ड्स तो अनगिनत से हैं, काफी सारी ब्रांचिंग हो रही है, ढेरों सारे खूबसूरत से फूल आ रहे हैं, न्यू सूट्स आ रही हैं और ये टाइगर रोज भी काफी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स नए बर्ड्स इसमें भी ढेरों सारे हैं, नए सूट्स इसमें भी हैं और डबल डिलाइट रोज में भी काफ़ी अच्छी सी नई सी फ्लावर सूट्स और बर्ड्स आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब इस तरह की हर अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसी से हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो हो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो कहने तक के लिए बाय, सी यू।